गिवन है आपको, अगर ये रहे कि ये आपको जीरो के बराबर दिया और फाइंड आउट करना वन अपॉन एक्स वन प्लस वाई वन प्लस जेड क्या होगा। अभी हमें यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चलो फिर एक काम करते हैं, फिर हम इसको ही बेस मान लेते हैं, इसको बेसिक मान लेते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि सेवन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स सेवन वाई माइनस थ्री अपॉन वाई और सेवन जेड माइनस थ्री अपॉन जेड इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ये है कि जो हमें मैंने पीछे बताया कि डिनोमिनेटर को आप हमेशा कोशिश करने के काटने की कोशिश की, डिनोमिनेटर खत्म करने की कोशिश की, जितना भी क्वेश्चन आप देखेंगे डिनोमिनेटर को वो कहीं से कहीं ना कहीं वो काटता है, ठीक है ना। तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, पहले इसका एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड आ गया। अच्छा, इसको आप डिवाइड करेंगे, अब इससे करेंगे, इससे करेंगे तो एक्स जो हो गया, एक्स कट जाएगा आपका, वाई और जेड हो जाएगा, तो वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे सेवन एक्स माइनस थ्री से। अच्छा, तब यहाँ डिवाइड करेंगे तो वाई कट जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा एक्स जेड और सेवन वाई माइनस थ्री हो जाएगा। अच्छा, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो जेड कट जाएगा, बचेगा मेरे पास एक्स वाई और सेवन जेड माइनस थ्री और इक्वल टू जीरो। अब एक काम करता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखो ये बनेगा मेरे पास यही का, सबसे पहले सेवन एक्स वाई जेड माइनस थ्री वाई जेड, इसको इससे के इसको इससे के। अच्छा, प्लस अब ये वाला करेंगे, ये बनेगा सेवन एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स जेड। अच्छा, ये करेंगे, ये वाला करेंगे, तो ये बनेगा सेवन एक्स वाई जेड और माइनस थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू, देखो ये जो नीचे वाला ये आपका इजला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, माने वो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको मतलब ये अपॉन सारा का अपॉन भी कर दिया था, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर ये सेवन सेवन एक्स वाई सेवन एक्स वाई सेवन एक्स वाई एक काम करते हैं, पहले मैं जो इसको लिखता हूँ कि जो देखो माइनस थ्री वाई जेड ये एक ये लिखते हैं माइनस थ्री एक्स जेड एक ये माइनस थ्री एक्स वाई ये सारा हो गया, बस ये क्या सेवन एक्स वाई जेड और सेवन एक्स वाई इन सबको प्लस कर लेंगे तो बनेगा 21, तो मैं तो थोड़ा भी दूँ 21 एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको उधर भेजते हैं तो ये बनेगा, इसमें से माइनस मैं थ्री कॉमन लेता हूँ और ये बन गया वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस जेड एक्स वाई और ये माइनस 21 एक्स वाई जेड, माइनस से माइनस कट गया, ये थ्री से कट गया सेवन है, तो मेरे पास बच गया वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई इजकल टू सेवन एक्स वाई जेड यही। अब एक ये है कि हम इसको यहाँ डिवाइड करो आप एक्स वाई जेड से, यही काम करो इसको इधर ले लेते ठीक है। तो एक काम करता हूँ, सबको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड डिवाइड से और एक्स जेड को डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई जेड से और सेवन एक्स वाई जेड को डिवाइड करेंगे एक्स वाई जेड से। तो यहाँ देखिए तो ये दोनों कट गए, ये बच गया वन अपॉन एक्स, ये एक्स कट गया, ये कट गया, ये बच गया वाई वन अपॉन वाई। अच्छा, इसमें एक्स वाई कट गया, ये बच गया वन अपॉन जेड, ये पूरा कट गया, बराबर क्या बच गया सेवन और कट गया। तो ये सिंपल इक्वेशन था, लेकिन ठीक है, लेकिन इसमें ये स्टार्ट कैसे करना है ये था मेन चीज, ठीक है। तो स्टार्ट आप इसी से करें, ठीक है ना, जो गिवन है वो ऑटोमेटिक, इस तरह क्वेश्चन में ऑटोमेटिक आपका आगे सर्किट बढ़ता ही रहेगा, खुद ब खुद वो बढ़ता रहेगा, जैसे आप आगे चलोगे वो खुद बढ़ेगा।